ये हैवीवेयर्स ब्रोकली जो हम अभी लगाएंगे, कुछ तो हमने लगा दी है और ये आपके साथ शेयर करने के लिए हमने थोड़ा सा छोड़ा है कि ये हम किस तरह लगाएंगे। तो चलें इसको लगाते हैं। ये इसको हम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये हम निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा पत्थर वत्थर आ जाते हैं। ये हमने निकाल लिया है, अब इसे हम लगाएंगे। क्योंकि जमीन हमने पहले से बराबर की थी और बाकी प्लांट्स हमने लगाए थे, ये दो तीन हमने छोड़ दिए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। इसको बस इस तरह करना है और हाथ की मदद से जो है इसको लगा दें बस। ये इसको अच्छे तरीके से इस तरह इसको अच्छे तरीके से दबाना है ताकि ये इसकी जड़ें अंदर तक चली जाए। इसे हम थोड़े फासले पे लगाएंगे क्योंकि इसका जब पौधा होता है तो फिर वो काफी बड़ा हो जाता है। और ये हम एक दो पौधे इसके अंदर भी लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा है सैलड, सैलड लगाया हमने। ये देखें ये निकल आया है माशाल्लाह से। ये देखें ये बाकी में हम कुछ ना कुछ लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने देसी फवारा अपने लिए बनाया हुआ है क्योंकि ये नाजुक है, तो बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से इसको हमने पानी देना है। तो अगर प्रेशर से ज़्यादा पानी दिया तो ये क्योंकि अभी वो है तो इसकी जड़ें निकल आएंगी। और ये हमने जो है ये पहले से लगाए हुए हैं, तीन चार दिन हमने पहले लगाए हुए थे। ये देखें ये हमारी ब्रोकली। और व्यूवर्स ये है पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लांट कर रहे हैं हम। स्पेन की कोई वेजिटेबल है, नाम बहुत मुश्किल है, हम आपको अभी बताते हैं। इसको भी हम लगाएंगे। हमें ये पौधे भी नायाब किस्म के पौधे हैं, ये भी हमें नर्सरी से मिले थे। ये कुछ इस किस्म का बनेगा, पता नहीं कभी पहले लगाया नहीं है। और ये इसका नाम है, ये इसका नाम है रोमानेस्को। ये भी ब्रोकली की एक किस्म है और ये कहते हैं कि स्पेन की है। ये हैं पहली दफ़ा हम लगा रहे हैं, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। चले और ये है इसके जो प्लांट्स हैं वो ये है। इसको भी हम गमले में लगाते हैं अपनी कैरी। ये प्लांट्स भी हम अपनी कैरी में लगाते, ये प्लांट भी एक कैरी में हम लगाते हैं। पकड़ो
ये देखें, हम इस वाली कैरी, बड़ी वाली कैरी है, इसमें हम लगाएंगे ये 3 पौधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, ये हमने इसमें 3 लगा दिए हैं। और ये है, ये भी हमने ब्रोकली लगाई है, लेकिन ये देखें क्योंकि ये साये में है तो ये थोड़ी स्लो ग्रो हो रही है। ये देखें, जो कहते हैं ना कि अल्लाह में किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। ये देखें, हमने मेहनत की, हमने ब्रोकली लगाई, और ये देखें माशाल्लाह से कितनी सारी जो है ब्रोकली जो है वो निकली हुई है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश। इसे अभी हम जो है काटेंगे और सारी जो है भरी हुई है माशाल्लाह से। इसमें तकरीबन अभी तक जो है वो 3 बड़े फूल हैं, एक वो है वहाँ पर, और एक ये है, और एक ये है। ये हम आपके, और फिर इसको बनाएंगे, लेकिन हम आपके साथ इसकी वीडियो जो है शुरू से, बिल्कुल शुरू से, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो है वो आपके साथ इसको शेयर करेंगे कि हमने किस तरह लगाई थी, कब लगाई थी, कैसे लगाई थी। तो ये पूरी वीडियो आप देखें और आप अपने घर में भी जो है वो लगा सकते हैं। जब मेरी यहाँ उग सकती है छत पे, तो आपकी यहाँ भी तो हो सकती है, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी केयर इसको चाहिए होती है। तो उम्मीद है आप भी अपने घर पे इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो आए आपके साथ इसकी शुरू से वीडियो शेयर करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये अगर हम काटेंगे भी तो बिस्मिल्लाह, ये देखे एक मिनट में जो है वो कट गई, ये देखे। और ये है माशाल्लाह से हमारी गोभी, ब्रोकली जो है बिल्कुल फ्रेश ब्रोकली हमारी बिल्कुल हो गई है तैयार। इसे हम रखेंगे अपनी बास्केट के अंदर, ये छोड़ देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम छोड़ देंगे, ये जो है ये दो हमने छोड़ दिए हैं, इसको हम निकालेंगे नहीं, ये फिर ग्रो हो जाती है आगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दूसरी वाली है, अभी हम काटेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देख क्या तो आये, ये देख क्या तो ताज़ा ब्रोकली है माशाल्लाह से। आपको बाजार से ऐसी ब्रोकली कहाँ से मिलेगी। ये हमने ये काटी है, अभी हम जो है तीसरी ब्रोकली भी जो है वो भी काट रहे हैं। और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने अपनी ब्रोकली का तीसरा फूल जो है वो भी काट लिया है। और ये देखिए, ये देखें हमारी ब्रोकली हो गई है तैयार, और हमने पहली हार्वेस्टिंग जो है ब्रोकली की कर ली है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।